पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना चीन का डटकर सामना कर रही है, लेकिन भारत के एक्शन प्लान को देख घबराए चीन ने नए पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। भारत की तरह चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी ALC के पास अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। ALC के पास चीनी सेना के कुल 52,000 सैनिक तैनात है, जिनमें से 10,000 सिर्फ पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर तैनात हैं। पेंगोंग झील के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में ALC के पास चीनी सेना की हलचल बढ़ती दिख रही है। इसके बाद से भारतीय सेना और भी मुस्तैद हो गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ALC के पास दो इलाके में चीनी सैनिकों की गतिविधियां दिखाई दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 29 और 30 अगस्त की रात चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया था। इसके बाद से ही क्षेत्र में दोनों ओर की सेनाएं तैनात की गई। चीन ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया, यानी भारत की देखा देखी चीन ने भी इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चीन के साथ विवाद पर लोकसभा में दिए गए बयान के बाद हुई। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से संसद सत्र के आने वाले दिनों के प्लान की बात की गई, साथ ही विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों पर बात हुई। इसी बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से LAC के मसले पर मंथन की मांग की गई। नवभारत मीडिया।